कभी कभी हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसकी लाइफ हमें परमिशन नहीं देती, तो मेरा जवाब है फक यू। जब दो हॉट बॉडीज मिलती हैं तो कुछ पागल करने वाला मैजिक होता है। दो जिस्मों पे टॉक्सिक कर देने वाला नशा चढ़ जाता है और उन दोनों को पेन में ही मजा आने लगता है। जब किसी को अपने ही लेवल का क्रेजी मिल जाए तो वो सारी हदें पार कर देते हैं और वो हो जाते हैं बेकाबू। वेलकम 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 तापसी जी, वेलकम। नए घर में आपका स्वागत है। वैसे घर को ज्यादा ही कूल है ना। ओ कम ऑन यार, इतना तो बनता है। यू डिजर्व इट। नया जॉब, इतना अच्छा पैकेज, और कंपनी ने इतना अच्छा अपार्टमेंट दिया है, कैसे मना करती सनी। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। तू मेरे लिए मुंबई शिफ्ट हो गए, अपने करियर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब देख लो, मैं ऐसा ही हूं। मैं बस एक बार तुम सेटल हो जाओ। और मेरा क्या है, मुझे आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी। और देखो, मुझे बिजी रखने के लिए ये स्काई 24/7 गेमिंग ऐप है ना, आई रियली फील लाइक अ विनर राइट नाउ। देखा कितना टैलेंटेड हूं मैं। चलो तुम्हारा असली टैलेंट देखते हैं। आई एम सॉरी आई एम लेट, वो लिफ्ट बंद थी। आगे से फर्स्ट कैबिन ऑन योर राइट। ओके थैंक यू।
Hi, Alisha. I'm Tapsee. You're late, babe. छोटी मोटी पब्लिकेशन हाउस में काम कर कुछ ब्लॉग्स लिखकर बॉर्न ने तुमको जूनियर एडिटर की पोस्ट पे रिकमेंड किया. क्यों? मतलब यू मस्ट बी स्पेशल ना. आर यू स्पेशल तापसी? स्पेशल आई डोंट नो, बट मैं मेरा काम पूरे पैशन देखेंगे. फॉर नाउ ये दो मैन्युस्क्रिप्ट्स को रिव्यू करो और बाकी अर्जुन सर के केबिन से कलेक्ट करो. थैंक यू अलीशा. तापसी, वन मोर थिंग. मैंने इस कंपनी को 6 साल दिए हैं. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड रिमेम्बर आई विल बी वॉचिंग यू. Danger here, Ran? ये कैसे सिली मजाक है? Alisha, 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 look at you, chief editor of Irani Publications. I'm so proud of you. I like your lipstick. Now let me taste it. I missed you so much, Arjun. I want you now. Thank you.
मैडम रुकिए, अंदर अर्जुन सर नया स्टोरी छाप रहे हैं। शट अप, अर्जुन सर के लाडले ड्राइवर हो, ज्यादा उछलो मत, थर की साला गई का। क्या बात है, वाह, इका सामने तो लिट्टी चोखा भी फेल है बहन। क्या हुआ? Don't you wanna know? पूछोगी नहीं कि मुझसे क्या गलती हो गई अर्जुन? I'm sorry अर्जुन, I promise मैं अगले 7 दिनों में जोशी करंटे को क्रैक कर लूंगी। कर लूंगी। I think I was fucking clear कि मुझे जोशी की बुक चाहिए थी, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट और साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स अपने टेबल पे चाहिए थे। तुम्हारा काम मेरे लिए भौंकना है लीशा, be that bitch. Fetch Josie for me. What the fuck, Bakshi? आग बंद करके चलते हो क्या? I'm sorry. Why are you so lost? क्या हुआ? Actually, मैं वो... जाओ अपना काम करो। डोंट वरी ईशा मैम, हमने जोशी कनाडियो को क्रैक कर लिया है, और हाँ, अर्जुन रानी ने आपको बुक लॉन्च के लिए इनवाइट भी किया है। बुक लॉन्च? हाँ, ईरानी पब्लिकेशन को सिर्फ मुझसे खतरा है। दैट बास्टर्ड अर्जुन, वो जानता है दैट आई वांट टू डिस्ट्रॉय हिम। उसकी पहली बुक बेकाबू फ्लूक से चल गई, दूसरी वाज टोटल रबिश, और अब तीसरी बुक छापने जा रहा है। वाओ, जिस आदमी को लिटरेचर का ABC तक नहीं पता, वो रैंडम कचरा बेचने के लिए बुक इवेंट कर रहा है। वाओ, यू नो राइट कि जोशी की डी अर्जुन चाहता है, एंड इफ दैट हैपेंस योर हेयर विल रोल डार्लिंग। नो नो मैम, जोशी को हम ही क्रैक करेंगे। गुड, फिर नमक ज्यादा हो गया क्या तब से? नहीं, आज तो स्पाइसी भी नहीं है। ओए, कोई और मिल गया क्या? तुम्हारे ऑफिस का काम कैसा चल रहा? कुछ नहीं, बस ऑफिस के बारे में ही सोच रही थी। सब ठीक है ना ऑफिस में? हाँ, वही एज यूजुअल वर्क टेंशन। तो मेरी डार्लिंग को वर्क का टेंशन है। मसाज दो।
सॉरी 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 आई एम सो सॉरी मैं थोड़ी जल्दी में थी. वाओ, लगता है मिस्ट्री नॉवेल्स के फैन हैं आप. हाँ, फैन तो हूँ. बोर हो जाता हूँ तब थोड़ा मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ लेता हूँ फॉर अ चेंज. सर, आपकी बुक्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है. सॉरी, डू आई नो यू? नो सर, बट आई नो यू कि आप फेमस ऑथर जोशी कनाडिया. व्हाट अ कोइंसिडेंस, आई वर्क फॉर ईरानी पब्लिकेशंस. देखो, मुझे तुम्हारे ऑफिस से कॉल आ रही है. अगर तुम लोग मुझे करोड़ रुपया भी दोगे ना. सर 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 सर, जो चीज दिल से बनाई जाती है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती. और आपकी बुक आज के जनरेशन के लिए लाइफ सेवर है, एक होप है. और सर, आपकी आने वाली नई बुक्स को सही रीडर मिल जाए ना, तो आज के जनरेशन को भी रीडिंग का चस्का लग जाएगा. सीरियसली, सो लेट्स डू इट, गिव मी अ चांस. ओके, लेट्स हैव अ कॉफी. श्योर सर. Welcome the best-selling author and star of the evening, Arjun Irani. Ladies and gentlemen, आज हम सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन. आज मैं आप सबके सामने अपनी नई बुक बेकाबू 3.0 को अनवेल करने जा रहा हूं. राइटर्स ब्लॉक, लाइक अ मेज. अक्सर जब ऑथर्स को रास्ता नहीं मिलता है, दे ऑफन गिव अप. You know, वो स्पार्क मिसिंग होता है लाइफ से. फैमिली, फ्रेंड्स, they're always there to support you, but spark is missing. लेकिन फिर बहुत साल बाद मुझे मेरा स्पार्क मिला और मैं इंस्पायर हुआ अपनी नई बुक लिखने के लिए. और मुझे इंस्पायर करने वाली एक बहुत ही क्यूट और हॉट लड़की है. And you all know her. No, I don't mean you, Nayanika. ये व्हीलचेयर पर कौन है? ये अर्जुन सर के बड़े भाई यूरी सर हैं. I was talking about my very gorgeous, very beautiful, and lovely wife, Chitra. Thank you.
Look at her, she's already blushing. Please, do the honors. For all you lovely people, it's time to party. Enjoy your weekend. मुझे एम्बैरेस करना कब छोड़ दिया? कभी नहीं. इनफैक्ट इस बोरिंग पार्टी से निकलते हैं. एंड यू वोंट रिग्रेट गोइंग होम विद दैट वन गाय हु वाज अ टोटल टॉम कैट. यू विश. आई हैव गॉट टू मीट समवन इंटरेस्टिंग. गो अहेड. ये हमारा नंबर कब आएगा? Congratulations, sir. I'm Tapsee. Of course, I know you, Tapsee. I've read your blogs. I like what you write. Really? Well, it's finally time that we met in person, huh? And yeah, please call me Arjun. Okay. Arjun. Sir. Arjun. Okay, Arjun. आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ. गिफ्ट? Yes. Josie Kanadia, I've got you a 3-book deal with him. Unbelievable, Tapsee. This is crazy. It's... Wow. Come with me. Guys, big news coming in. We just happened to sign Josie Kanadia for a 3-book deal. And all this was possible because of my junior editor, Tapsee Sharma. Big round of applause for her. Now that's what I call beauty with brains and a hot pod. Sorry, I'm a little bit direct. Hello, I'm not wasting much time. Listen, let's celebrate this. Here, over the weekend. My driver, Kanti, will take you. And yeah. आज के बाद तुम अलीशा को नहीं मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करोगी. ओके घर गाओ. आपकी जान को खतरा है. यू आर इन डेंजर. व्हाट? जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाइए. ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं. Disgusting मजाक है. Stop it. Please behave yourself. You are unsafe here. Please understand.
बस हो रहा हूँ बेकाबू Sunny, Arjun. You bastard! This bastard के लिए तुमने मुझे छोड़ा. Sunny, Sunny, please don't do anything stupid, Sunny. I loved you, Tapsi. I really loved you.
Fuck this fucker. Fuck this fucker. Sunny, no. No, Sunny, please. I loved you, Topsy. अर्जुन, चित्रा आई नहीं अभी तक? आती होगी भैया। बोलो कांति। भैया जी, वो गाड़ी सर्विस करने वालों का फोन आया था, गाड़ी सर्विस करवा ले। इसमें पूछने वाली क्या बात है कांति, गाड़ी सर्विस करवा लो ना। मेरी भी सर्विस करवा लो ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गाड़ी से बहुत आवाज आ रही है, एसी भी ठीक नहीं है, इट्स टू हॉट। चेक नहीं करवाया था? करवाया था मैडम जी, वो आपका इंजन मतलब गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था शायद इसीलिए। अगली बार पूरा खुलवा के चेक करवाऊंगा मैडम जी, वरना नई गाड़ी दिलवानी पड़ेगी तुम्हारे भाई। ए, खड़ा क्या है? मैडम ने कहा ना गाड़ी की सर्विसिंग करानी है, जा जाके बुकिंग करवा। गो। अर्जुन, बेचारे की गाड़ी बार बार खराब होती रहती है, नई गाड़ी ले देना। कोई जरूरत नहीं है भैया, इनका तो रोज का है, आज ये कल वो, कभी दुबई निकल जाती है वीकेंड्स पे, आधे से ज्यादा टाइम तो मुझे पता ही नहीं होता ये होती कहाँ है। टोटल वेस्ट ऑफ मनी। जिस हस्बैंड को अपनी बीवी को छोड़कर दुनिया भर की सारी बिचेस में इंटरेस्ट है, उसे कैसे पता चलेगा ना कि उसकी बीवी कहाँ है? अगर तुम्हें मेरी बिचेस से इतनी प्रॉब्लम है ना, देन गो अहेड एंड टेक अ डिवोर्स। याद रखना, पांच पैसे भी नहीं मिलेंगे तुम्हें थैंक्स टू माय प्रीनप। रहना है तो रहो, वरना फक ऑफ। अर्जुन, ठरक नरेश देखे तो सही, कांति देख के अपनी प्यास बुझा ले, ई भूसड़ी नंदन से रहा नहीं जाता।
तापसी, यू हर्ट नो, बख्शी साहब गुजर गए। हाँ, शायद उनकी तबीयत खराब थी। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए, ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। प्लीज बिहेव योर सेल्फ, ही लुक्ड अनवेल, सो सॉरी। तापसी, क्या हुआ? तुम फार्म हाउस नहीं आई, मुझे इग्नोर कर रही हो क्या? There when me and Alicia. You liked watching it. You liked what I did to her.
अपनी बेटी छोड़। लगता है अर्जुन भैया मछली की आंख नाक कान सब कुछ भेद देंगे। मैडम को जाके बताना पड़ेगा। हेलो मैडम जी, कहा है ना कि अर्जुन भैया होल पे गोल कर ही जा रहे हैं। नहीं मैडम जी, कहा ना मैं लड़की का मैडम तापसी। मैडम जी, अर्जुन भैया ने तापसी को भी भेज दिया। हाँ ठीक है मैडम जी, ठीक है, ओके। किससे बात कर रहे थे? वो मैडम जी। क्या, फोन दो अपना। मैडम जी, हम चित्रा मैडम से बात कर रहे थे। अच्छा, तो चित्रा का खबरी है तू? बताओ अर्जुन को कि क्या बात कर रहा था। ऐसा मत करिए मैडम जी। कांती, अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप तो वो कर रही है मैडम, कहा कहते हैं उसको, ब्लैकमेल। हाँ मैडम जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? भैया जी, चित्रा मैडम को मीटिंग के लिए लेके जाना है हमें। हम आपको ये बताने आए थे। तो जाना, जाओ। इडियट। भैया जी, क्या है? हम आपके चॉइस हो सकते हैं, आप हमारे नहीं। तो जाता है कि थप्पड़ मारूं? आउट। चूतिया, मजा किरकिरा कर दिया। Who is this bitch Tapsi? और वो जोसी तक कैसे पहुंची? How? मैम, हम जोसी से ही बात कर रहे हैं। I mean कर रहे थे। Sip it. You're fired, darling. मैम, listen to me. Idiot. That's it. अर्जुन ने मेरा आखिरी ट्रम्प कार्ड भी छीन लिया उस बिच तापसी की हेल्प से। I will kill that asshole. अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। Babe, relax. तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अर्जुन को मारना है तो मार दो, पर आई प्रॉमिस हम दोनों मिलके साथ में अर्जुन को बर्बाद कर देंगे। Do you trust me? लेकिन गुस्से में आकर कुछ कर दिया तो हमारे सारे प्लान्स फेल हो जाएंगे। तुम हमेशा के लिए मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? तुम्हारे पास? लेकिन क्यों? मेरा कुछ है अर्जुन के पास, जिस दिन मुझे मिल जाएगा आई विल बी योर्स फॉरएवर। और तब तक मैं क्या करूं? इंतजार। फक इंतजार। यू नो हाउ मच आई लव यू, राइट? और अगर तुम मेरे बारे में सीरियस नहीं हो ना, देन जस्ट फक ऑफ। क्या है गलत, क्या है सही, हर चेहरे का नकाब खुलेगा यही। बेताबिया से जगी जो दरमिया अगंधे लगी
होप यू अंडरस्टैंड फरजाना। अब से तापसी के ऑफिस आने और जाने की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मैसेज कर देना डेली। बाय तापसी, आई नीड टू टॉक टू यू। टुडेज यूथ लुक फॉरवर्ड टू इन्फ्लुएंसर्स गाइडिंग देयर लाइफ। मैंने अर्जुन से कहा था कि कुछ एक्टर्स, सेलेब्स और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर जोशी की बुक्स को प्रमोट करेंगे। किसी रियलिटी शो में एक एक्टर उस बुक से कोट करेगा एंड रिसर्च टीम का भी यही फीडबैक है। बट अर्जुन तो तुम्हें देखकर इतना बेकाबू हो गया है कि शायद उसे कंपनी की कोई फिक्र ही नहीं है। अलीशा, एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स तो कुछ भी करते हैं उनके फैंस को इम्प्रेस करने के लिए, बट आई डोंट थिंक इट वर्क्स। वैसे भी मैंने जोजी को कन्विंस किया था आपकी आने वाली नई बुक्स को सही रीडर मिल जाए ना तो आज की जनरेशन को भी रीडिंग का चस्का लग जाएगा। सो लेट्स डू इट, गिव मी अ चांस। ओके। उसकी बुक्स स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रमोट करेंगे ताकि सही ऑडियंस तक पहुंचे। एंड द कॉस्ट? अर्जुन अग्रीड टू द कॉस्ट, सो नाउ इट्स हिज डिसीजन हाउ ही वांट्स टू प्रमोट जोजीज बुक। वाओ तापसी, अर्जुन बहुत इम्प्रेस्ड है तुमसे। शायद तुमने उसे अपना असली टैलेंट दिखा दिया है बिना कपड़ों के। अलीशा, यू आर क्रॉसिंग द लाइन। ओह शट अप बेब, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ हो बिकॉज ऑफ योर टैलेंट? नो 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 नो, ओनली बिकॉज अर्जुन वांटेड टू फक यू। तुम सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की हवस मिटाने के लिए हो। एंड बिलीव मी, अर्जुन तुम्हें एक दिन एक टिश्यू की तरह यूज करके फेंक देगा। फक हिम ऑल यू वांट, बट डोंट एवर फक विद मी। गॉट इट? तापसी, हे व्हाट्स अप? छोड़ना उसे, उसे लगता है वो ही इस कंपनी की ओनर है। एनीवेज, तुम्हारे लिए पार्सल है। मेरे लिए? तापसी। हाँ बेब, आज लेट होगा, ऑफिस में सब लोग काम कर रहे हैं। अरे बट मैंने तुम्हें मैसेज करके बताया था ना, अब इस बिरयानी का क्या करूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया? ऑफिस में पिज्जा मंगाया था, मैंने डिनर कर लिया। तुम रुकना मत, आई बी लेट। लव यू। लव यू, बाय। बाय। अर्जुन, अर्जुन मैं आ गई। अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन, महसूस करो मुझे अपनी बंद आंखों से, क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है? लव ई। अर्जुन, तुम्हें देख रही हूँ बंद आंखों से, कोई नकाब नहीं है, तेरे पास हूँ, तेरे लिए बेकाबू हूँ। थोड़ी बहुत शायरी मैं भी कर लेती हूँ। अर्जुन, गुड शॉट। आई एम सॉरी, मुझे लगा अर्जुन वहीं रुक जाओ, अच्छी परफॉर्मेंस थी।
तुम्हें लगा कि अर्जुन होगा ना? तुम यहाँ अर्जुन से मिलने आई हो? तुम और अर्जुन? You guys have been fucking around, right? बोलो। चित्रा, प्लीज अंडरस्टैंड, वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर, हमारा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। लेकिन अब चलेगा। ओह, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो गिफ्ट मैंने तुम्हें भिजवाया और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हारी ये वीडियो वायरल होते ही शादी और करियर दोनों खत्म, लेकिन इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। That's it. मैं चाहती हूँ कि तुम अर्जुन जैसे एक सेक्स एडिक्ट को एक्सपोज करो, उसे फंसाओ, फिर मैं डिवोर्स लेके आई बी फ्री, फिर उसके बाद अफेयर करो या बच्चे पैदा, आई डोंट गिव अ फक। चित्रा, प्लीज डोंट डू दिस, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आई डोंट केयर एंड यू डोंट हैव अ चॉइस। और ये मत सोचना कि तुम अर्जुन को हमारे इस अरेंजमेंट के बारे में बता दोगे, मुझे तुम्हारी सारी मूवमेंट्स पता है एंड आई विल बी वॉचिंग यू। धड़कन नहीं ये है गलत या सही, बस हो रहा हूँ बेकाबू, बेकाबू करती है मुझे तू ऐसे। मैं बेचारी हूँ। अरे मजाक कर रहा था मैं, तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता है? कम, गिव मी अ हग। चलो, लेट्स गो फॉर अ स्विम। मुझे स्विमिंग नहीं आती है। अब नो अर्जुन, आई कांट। क्या हुआ कांति? ऑल ओके?
तापसी मैडम, मैसेज करना है लेकिन एक स्पेलिंग में कंफ्यूज है। कौन सी स्पेलिंग? ब्लैकमेल। ब्लैकमेल किसको करना है तुम्हें? जी आपको। कांति प्लीज डिलीट कर दो ये सब वीडियोस। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे? अरे अरे अरे, ये छोटा ड्राइवर समझ के अपमान कर दिया ना आपने हमारा। आदमी छोटे हैं लेकिन ड्राइवर हैवी हैं। आडी मर्सिडीज सब चला लिया है लेकिन अब आपका टेस्ट ड्राइव लेना है। जी कांति, ये वीडियोस किसी को भी मिल गए ना मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी, इका ओरिजिनल प्रिंट सिर्फ हमारे पास है, एक बार और नहीं देखेंगी? ओरिजिनल प्रिंट है ना, अब नहीं रहा। अरे बहिनचोद, इका तो लोन भी अभी बाकी था। हाँ जल्दी बोलो चित्रा, आई डोंट हैव द टाइम। पेशेंस डार्लिंग, थोड़ा सा। यू रियली लाइक टू प्ले हाँ? अर्जुन भी चाहिए, मैं भी। हमारी अर्जुन वाली प्रॉब्लम का कोई आज द एंड कर देगा। व्हाट? कौन? तापसी। यू मीन तापसी आज अर्जुन को? कंपनी अकाउंट्स तुम ऑलरेडी मिसयूज कर चुके हो, कंपनी के रेपुटेशन का सवाल है, बैंक ने नोटिस भेजा है। अगर नहीं देखा है तो तापसी से फ्री होकर देख लेना। वाओ, यू जेलस? देख तो मैं बहुत कुछ रहा हूं अलीशा, और तुम्हें भी। मैंने तुमसे कहा था उस बैंक मैनेजर को सेट कर देना एंड यू फेल्ड। नो अर्जुन, बख्शी के डेथ के बाद मुझे फिनेंस टीम ने अपडेट्स दिए थे, तब मैंने बैंक के सारे नोटिसेस भी देखे थे, यहाँ तक कि उन बैंक मैनेजर्स को लड़कियाँ भी सप्लाई की थी, इसीलिए तो ईरानी पब्लिकेशंस का नाम डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं आया। बट आई प्रॉमिस मैं उनसे। बैंक मैनेजर को बैंकॉक की टिकट्स भेज दी गई है, अब हमारी कंपनी को कोई नोटिस नहीं आएगा। शिट, रियली? हम दोनों कोई क्यूट कपल है, रोमांस चल रहा है यहां पे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलती करके यहां पे अपनी स्कर्ट उतार के छुप जाओगी और चीजें ठीक हो जाएंगी, देन यू आर फकिंग रॉन्ग। अरे 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 अलीसा जी, अरे 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 अलीसा जी, उठियो। अर्जुन भैया की नजर सबके पिछवाड़े पे ही होती है, खोलते बाद में बजा पहले देते हैं। आप ठीक तो हैं? अर्जुन भैया गुस्से में कभी कभी चित्रा मैडम की लिंजरी भी उतार देते हैं।
तुम्हें तो पता है ना अर्जुन का, छोटी सी मिस्टेक पे भी। अरे अर्जुन भैया तो झाट, मेरा मतलब है कि वो बहुत पत्थर दिल है। आपने जो भैया को, मेरा मतलब है कि आपने जो कंपनी को दिया है, बहुत बहुमूल्य चीज दिया है आपने। आप जैसी जवान लड़की को एक समझदार इंसान की जरूरत है। अगर आपको कभी मन हल्का करना हो तो हम स्टेशन की सात आली चाली में रहते हैं, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। साले भैंचोद, अर्जुन का ड्राइवर है इसलिए छोड़ो। फिर छुआ ना तो इन अंडों की भुर्जी बना दूंगी। साला हम तो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, ये साली कुतिया अंडों को दबा के चली गई। मदर पकड़ तुझे कीड़े पड़े भैंचोद। एक्ट्रेस बनना चाहिए था तुम्हें। इतना रियलिस्टिकली परफॉर्म करती हो कि देखने वाले चार लोग कहेंगे कि चढ़ो। वो क्या कहेंगे, मैं ही कह देता हूं। किसको चूतिया बना रही हो तुम? ये फेक लव, ये प्रिटेंड करना, व्हाई? आज ये सब फेक लग रहा है। जब तुमने प्रपोज किया था, मैरी मी चित्रा, आई लव यू सो मच, मुझे सेटल होना है, वो सब भी फेक था। तुम अपने कैरेक्टर से ऑफ जा रही हो चित्रा। ये बेचारी औरत वाला कैरेक्टर तुम्हें सूट नहीं करता है। हमारी मैरिज एक फेलियर है, एक अरेंजमेंट है, और ये तुम भी जानती हो। सो इट्स बेटर यू हैव अ ड्रिंक एंड गो टू स्लीप। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। अरे अर्जुन, कहाँ जा रहा है तू? सब ठीक तो है भैया? एक जरूरी मीटिंग में जाना है, गॉट टू गो। अच्छा अच्छा, अरे रिलैक्स रिलैक्स चिट्टू, बी कंफर्टेबल। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। भाई साहब सॉरी, बट दिस माइग्रेन, मुझे सोना है। सबसे पहले नो भाई साहब, इट्स यूडी। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज रात मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से मसाज दे दूंगा, तुम्हें नींद आ जाएगी। और लेट जाओ, आओ। Okay, UD, भाई साहब, but please, मुझे सोना है। अरे चु, आप चलिए। सुनो ना,
का दिया हुआ तोहफा सही जगह पे पहुंचा दिया है। थैंक्स कांति, मैं याद रखूंगी। हेलो हेलो, लगता है रिचार्ज खत्म हो गया होगा बेटी चौथ का। ये सैंपल न्यूज़पेपर्स यहाँ? ईरानी पब्लिकेशन के रिसेप्शनिस्ट अलीशा सेठ के सभी एमएमएस हुए इंटरनेट से गायब। अलीशा, तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं कुछ नहीं करता। सी, ये अपनी मेहनत से मैंने कैफे बनाया है, दिन रात एक करके, और कल इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। बट उससे पहले कुछ नहीं बेबी, चिल, अपनी पर्सनल मेमोरीज के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चिल बेबी, चिल। ये तो ब्लैकमेल है। ये तुम्हारे पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट होने से बचा लिया। लेकिन मैंने उन्हें लीक नहीं होने दिया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी अंदर करवा दिया। यू नो व्हाई अलीशा? बिकॉज आई केयर फॉर यू। आई ऑलवेज वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। But I love Tapsi. और अगर उसे कुछ हुआ, then I'll fuck everyone. Sorry Arjun, I don't understand. Do you think मैंने कुछ? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता है कि तुम और कांति क्या प्लान कर रहे हैं? अर्जुन, मेरा इंटेंशन तो बस तापसी पे नजर रखने का बहुत था। बहुत टाइम से गेम खेल रहा हूँ मैं अलीशा। I can handle it. अर्जुन, तुमने जो मेरे लिए किया है, आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर इट। तुम ट्रस्ट करो या ना करो, मैं हमेशा लॉयल रहूंगी। यू बेटर बी। सरप्राइज है, पर कोई सवाल नहीं। जस्ट डू एज़ आई से, ओके? कैसा सरप्राइज?
कहा ना, कोई सवाल नहीं, यू ट्रस्ट मी। Mm-hmm.
शिट फक अर्जुन अर्जुन मेरी वेडिंग रिंग रह गई है अर्जुन तुम सो गए क्या अर्जुन अर्जुन देखो मुझे ऑलरेडी लेट हो गया है अर्जुन चित्रा ये क्या कर रही हो तुम दूर रहो मुझसे फकिंग बिच तुमने अर्जुन को मारा तुम पागल हो क्या मैं क्यों मारूंगी इसे
तुम्हारे कहने पर मैं अफेयर कंटिन्यू कर रही थी और अभी 5 मिनट पहले ये जिंदा था। मैं वापस आई। 1 मिनट। यू हेटेड अर्जुन और तुम इसे मार के मुझे फंसा रही हो। फकिंग क्रेजी, व्हाई विल आई किल हिम? अर्जुन एक चीट था, एक अनफेथफुल हस्बैंड था, लेकिन मेरा था। मुझे बस एविडेंस चाहिए था तुम दोनों के अफेयर का। उसको मारने का तुम्हें कोई राइट नहीं था। He was all I had, Tapsi. I swear, मैंने नहीं मारा उसे। What the fuck are you doing? Ambulance. मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगी कि ये अफेयर मैं तुम्हारी वजह से कर रही थी। कर दो कन्फेस, सब कुछ बता दो। याद रखना कि तुम्हारा वीडियो कन्फेशन मेरे पास है। तुम्हारी ये वीडियो वायरल होते ही शादी और करियर दोनों खत्म। You think the police is going to trust you? अगर मैंने नहीं मारा, तुमने नहीं मारा, तो कोई तीसरा? Chitra, you bitch. मुझे लगा that I'm going to die. हमें पुलिस को सब कुछ बताना होगा। Are you fucking mad? पुलिस को लगेगा कि हम दोनों ने मिलकर अर्जुन को मारा है। फिंगरप्रिंट्स और डीएनए हम दोनों को अक्यूज्ड बना देंगे। तो क्या करें? भाग जाए? बॉडी को छोड़ के नहीं जा सकते। कुछ ही देर में केयरटेकर आ जाएगा और यहाँ हंगामा हो जाएगा। That means we are fucked. No, not yet. अब मेरी बात ध्यान से सुन। I'm gonna take care of this. Sorry madam, आपको disturb किया। दरअसल हमारी ना गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। थोड़ा पेट्रोल मिलेगा प्लीज? अभी घर में कोई नहीं है, आप प्लीज जाइए। अरे रुकिए मैडम, किस बात की जल्दी आपको? अब मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम आना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों क्यों शिंदे, और हम तो जनता के सेवक है। ओह भूल गई, माई सेल्फ रसिका अस्थाना, स्पेशल ऑफिसर
मुंबई ब्रांच। ओ फक, पुलिस। वो हमें थोड़ी सी पेट्रोल चाहिए थी, मिलेगी? जी। कुछ टेंशन है? यू ओके? आई मीन एवरीथिंग इज फाइन राइट? जी। हेल्प चाहिए कुछ? चाबी मिलेगी प्लीज पेट्रोल के लिए? लाती हूँ। वाह बॉस, क्या घर है, घर है के महल। मैडम, ओह थैंक्स। मैडम आपका इतना बड़ा घर है, आप अकेली रहती हो या फिर आपका हस्बैंड? हस्बैंड के साथ, वो बाहर है। ओह, आपका या फिर आपके हस्बैंड का नंबर मिल सकता है? जी जी, वो शिंदे कल पेट्रोल वापस देने आएगा ना? नो नो थैंक यू, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। मैम ओके श्योर, थैंक यू फॉर द कीज, चलते हैं, सी यू अराउंड। वो चली गई, Now what? बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। What the hell, तापसी? ये क्या चल रहा है और कहाँ थे तुम? अरे बोलो। सनी, we are fucked. अर्जुन is dead. What? I think I killed him. No, no, no. हमारा प्लान अर्जुन को मारना नहीं था तापसी, कुछ और था। Don't you remember?
मजा नहीं आ रहा है। सी अर्जुन, डोंट गिव मी दिस क्रैप। अगर तुम्हारा मन भर गया ना मुझसे तो बता दो, मुझे मेरी बुक वापस चाहिए। बुक? कौन सी बुक? कौन सी बुक? मेरी बुक जो तुम्हारे डैड ने रिव्यू करने के लिए ली थी, और तुम्हें नहीं बोला था ना तुम्हारी बुक में पोटेंशियल है और इट कैन बी बेस्ट सेलर। फक, रियली? ऐसा कहा था मैंने? I'm sorry, but मेरे डैड के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ओह, सो यू जस्ट विद मी फॉर फक? तुमने भी तो मेरा इस्तेमाल किया अपनी बुक के लिए। ओके, मैंने तुम्हारा यूज किया एंड वी फक, लेकिन अब मैं जो करूंगी ना देखना अर्जुन। तुमने क्या समझा मैं बेचारी हूं? Then I'm so sorry. I don't need you. मैं अपनी बुक बेकाबू खुद पब्लिश करूंगी। Babe, what's wrong with you? अरे मजाक कर रहा था मैं, तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता है? Come, give me a hug. चलो, let's go for a swim. मुझे स्विमिंग नहीं आती है। No, Arjun, I अर्जुन ने उस दिन मेरी मॉम अदिति को मार दिया। पुलिस ने वहाँ की फेल मैरिज को सुसाइड का रीजन बता के केस बंद कर दिया। माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझसे सब कुछ शेयर करती थी, इवन अर्जुन के बारे में भी। उस दिन मैं माँ के कॉल का वेट कर रही थी लेकिन उनका कॉल नहीं आया, और कुछ सालों बाद अर्जुन की सबसे पहली बुक बेकाबू रिलीज हुई और वो बहुत बड़ी हिट हुई। एंड आई वाज शॉक्ड क्योंकि वो स्क्रिप्ट मेरी माँ की थी। बेकाबू के हिट होने से ईरानी पब्लिकेशन के तो निकल पड़ी। बट आई ऑलवेज वांटेड टू किल अर्जुन, पर वो इंडिया में नहीं था। सनी, तुमने मुझे संभाला। आई वाज गोइंग मैड अबाउट हिम। आई नो जब हम मिले यू वर ब्रोकन, और हमने लाइफ को एक्सेप्ट भी कर लिया था तापसी। मेरी लाइफ का मोटिव ही यही था, मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। एग्जैक्टली तापसी, हम दोनों ने यही डिसाइड किया था कि हम उसे हनी ट्रैप करेंगे। तुम उसे सेड्यूस करके पागल कर दोगी ताकि वो कन्फेस करे कि उसने तुम्हारी माँ का मर्डर किया है। लेकिन तापसी, तुम्हें उसे मारना नहीं था। मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो सिर्फ माँ के मर्डर का कन्फेशन चाहती थी उससे। I'm fucked up यार, चित्रा के पास मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं और पुलिस को लगेगा कि मैंने रेवेंज के चक्कर में उसका मर्डर कर दिया। I trust you तापसी, do you think so? चित्रा ने अर्जुन को? I don't know यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तापसी, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। तुम कल ऑफिस जाओगी एंड ऐसे बिहेव करोगी जैसे नथिंग हैज जस्ट हैपेंड, ओके? और चित्रा से दूर रहना, ओके? और मामला जैसे ठंडा होगा हम यहां से निकल जाएंगे। आई प्रॉमिस।
लिंजरी ये पानी का फिल्टर। अर्जुन भैया की गाड़ी नीचे देखी तो हमें लगा कि भैया आते ही ड्रिंक मांगते हैं, इसीलिए हम ले आए। कहां गए भैया जी? कहा हुआ मैडम जी, कुछ बोलिए। अर्जुन कहां जाता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं बताता। दम घुट रहा है मेरा। अरे मैडम जी रोइए मत, अर्जुन भैया को जांट फिकर नहीं है आपकी। आप जैसी इज्जतदार संस्कारी लड़की अगर मुझे मिल जाती ना तो मैं दिन रात उसको अपने सीने से लगा के रखता और आप बोर ना हो 4-5 बच्चे भी दे देता। अर्जुन तो बाहर जाके सेक्स कर लेता है, लेकिन मैं कहां जाऊं, मुझे भी इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, सेक्स चाहिए। ऐसा सोचना गलत है क्या? नहीं मैडम जी, जब ऊपर वाला एक रास्ता बंद कर देता है ना तो चुपचाप करके सर्विस ले लेनी चाहिए। आपको इज्जत, प्यार, सेक्स तो कोई भी दे देगा मैडम जी, वो तो हम भी दे देंगे। कांति, तुम तो बड़े हरामी निकले। हरामी नहीं मैडम जी, ठरकी हूँ। कांति, क्या हुआ? नींद में हो तो जाके मुंह धो लो। ओहो नहीं मैडम जी, अब तो लगता है कि सीधे नहाना ही पड़ेगा। अर्जुन,
आप ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। प्रेग्नेंट हो? बहुत। मेरी टीम को देखकर चक्कर आ गया। उप्स, मैं ना हमेशा भूल जाती हूँ। माइसेल्फ रसिका अस्थाना, स्पेशल यूनिट क्राइम ब्रांच। नाइस टू मीट यू मैम। तापसी शर्मा हो ना आप? देशपांडे, हम इसको कब से ढूंढ रहे हैं ना? यस मैम। बैंग ऑन, एंड फाइनली यू आर हियर। आप डरवर तो नहीं रहे ना? ऑफ कोर्स, क्यों डरेगी ये? सो स्टूपिड। आपने कुछ किया तो नहीं है ना? वो अर्जुन की बॉडी मिसिंग है, उसकी फैमिली ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है, सो वी आर सर्चिंग फॉर इट। आपको मालूम नहीं है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। बट आप और अर्जुन क्लोज, आई मीन वो ऑफिस वाले कहते हैं कि आप और वो क्लोजली काम करते हैं, तो आई थॉट कि आपको मालूम होगा। सॉरी, मुझे नहीं पता। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता? अगर कुछ पता है ना तो बता दो हमें, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। देशपांडे, चित्रा का फोन नहीं लग रहा है, ट्रैक करो उसे। यस मैम। और आप मिस तापसी शर्मा, इस वीकेंड नो पार्टी। हाँ, लोनावला, खंडाला, नो। वो क्या है ना, कभी भी पुलिस स्टेशन आना पड़ सकता है। नॉर्मल क्वेरीज, थोड़ा कोऑपरेशन चाहिए, करेंगे ना? थैंक यू सो मच, टेक रेस्ट। आपको चक्कर आ गया था ना? आई सी यू सून, टेक केयर। हेलो, क्या हुआ तापसी? सब ठीक तो है ना? सनी, पुलिस को डाउट हो गया है कि मैंने अर्जुन का मर्डर किया है, पर अब मुझे कुछ ऐसा मिला है जो शायद मुझे बचा ले। क्या मिला? Oh,
लैपटॉप तो ये रहा था, आपसी पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव? सनी, पुलिस को डाउट हो गया है कि मैंने अर्जुन का मर्डर किया है। तापसी, पुलिस को अपना काम करना था। यू बी अलर्ट। चित्रा ने क्या कहा? चित्रा से बात नहीं हो रही है यार। The person whom you're trying to reach is currently unavailable. See, वापस से ऑफ आ रहा है। तापसी, ये देख। क्या 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 फिर से बोलना? अर्जुन, मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं 20 साल की थी जब मैंने पापा को, मतलब मेरे स्टेप फादर को मारा था। माँ की दूसरी शादी थी और पापा ने सोचा कि डिवोर्सी से शादी की है तो चित्रा तो दहेज में है। बास्टर्ड ट्राइड टू मोलेस्ट मी। उस रात मैंने उनकी शराब में स्लीपिंग पिल्स मिला दी और हमारे कुआ वाले घर के पीछे एक पुराने सेप्टिक टैंक में उनकी बॉडी को धकेल दिया। आज भी उनकी बॉडी वहां सड़ रही है। बिच, दूसरों का वीडियो रिकॉर्ड करती थी ये। अब इसका वीडियो हमारे पास है। अब नहीं छोड़ेंगे साली को। सबकी स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है सानी। हो सकता है चित्रा ने अपने पापा का मर्डर छुपाने के लिए मेरे हाथों अर्जुन को मरवाया। हमें यहां से तुरंत निकलना पड़ेगा तापसी। ये चित्रा हमें फंसा देगी। नो सनी, बहुत हो गया। नो टर्निंग बैक। मुझे नहीं पता मुझे चित्रा ने फंसाया या नहीं फंसाया, लेकिन अर्जुन से कन्फेशन और मेरा बदला लेने के लिए मेरे हाथों एक मर्डर हो चुका है। को मिलवाया था अर्जुन से, लेकिन उनके मर्डर के बाद गायब हो गया साला। उसे मैंने ट्रेस किया, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन बास्टर्ड सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बताया। ऑफिस के पहले दिन से ही उसे मेरी आइडेंटिटी का पता चल गया। और अगर मैं एक्सपोज हो जाती तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाता और इसलिए उसका मरना तो तय था। धड़कन नहीं, ये है गलत या सही, बस हो पूछा अर्जुन की वाइफ चित्रा कहाँ है? और मैं पूछता हूँ कि आप लोगों ने अब तक अर्जुन का पता क्यों नहीं लगाया? 2 दिन पहले मैंने उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। मेरा भाई अपने फार्म हाउस से गायब है। कहाँ चला गया वो, बताइए मुझे। अरे देशपांडे,
ये तो उल्टा हमें इंटरोगेट कर रहा है। मैडम, हमने पूरा फार्म हाउस और उसके आसपास के सारे इलाके, जंगल, हाईवे, सब कुछ ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। अब सवाल मैं करूंगी, अर्जुन और उसकी वाइफ की रिलेशनशिप कैसी थी? I don't know. मुझे नहीं पता। वो लोग मुझे कुछ नहीं बताते थे। किसी को मेरी परवाह नहीं है। So sorry. अगर अनजाने में मैंने आपके फीलिंग्स को हर्ट किया हो तो। वैसे चित्रा से कांटेक्ट हो तो बता देना, हम उसको ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? चित्रा, तुम्हारा माइग्रेन ठीक तो है? टैबलेट ली तुमने? अरे अंकल, अंकल, वन मिनट। बोला ना मैं सवाल करूंगी। आपको दो दिन से फोन कर रही हूँ, बंद आ रहा है आपका फोन। अरे इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, घर से बाहर निकली ही नहीं है ये। क्यों बंद आ रहा है आपका फोन? सॉरी, मुझे जब माइग्रेन अटैक होता है मैं स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती हूँ। कुछ पता चला अर्जुन के बारे में? उनका कमरा देखना है मुझे। हाँ चलिए, मैं लेकर चलता हूँ। देशपांडे? यस मैम। डिटेल्स लो इनकी, चलिए। उस रात फार्म हाउस में तू थी ना? बोल। मैम, आई एम इनोसेंट। अर्जुन और तापसी का अफेयर चल रहा था। तापसी प्रेग्नेंट थी और अर्जुन ने शादी से मना कर दिया, इसलिए तापसी ने अर्जुन को मार दिया। मेरे पास प्रूफ भी है। तापसी ने मुझे थ्रेटन भी किया। प्लीज हेल्प मी मैम। उस रात फार्म हाउस में तू थी, तापसी नहीं। और तापसी को फंसाने की कोशिश कर रही है। प्रूफ आपके सामने है। साली, हो रहा हूँ।
करती है या फिर ईशा के साथ सेट हो गई है? Let her be. अपनी बात कर। अपनी बात क्या करूँ हाँ? अपना तो कुछ है ही नहीं। तूने ही तो बोला था कि तू अर्जुन मालदार पार्टी है, सेट कर लेगी, पैसा छापेंगे। And I hope कि हम पैसा छापेंगे। और साथ रहेंगे। हाँ, पर मेरा एक काम करते पहले। कहाँ है अर्जुन ईरानी? क्या वो मिसिंग है? क्या वो लापता है? क्या वो देश छोड़कर चले गए? क्या वो फरार है? हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उनकी कंपनी पर ढेर सारा कर्ज था। हो सकता है कि शायद उन्होंने सुसाइड किया हो। क्यों पुलिस को कुछ नहीं पता है, ना ऑफिस ना घर वालों को। आने के लिए क्यों आए हो यहाँ? मैडम जी, जिसका आपने मुझे खबरी बनाया था वो तो यहाँ से गायब है ना। लगता है अर्जुन भैया मछली की आंख नाक कान सब कुछ भेद देंगे। मैडम को जाके बताना पड़ेगा। मैडम जी, अर्जुन भैया ने तापसी को भी भेद दिया। ठीक है मैडम जी, ठीक है ओके। किससे बात कर रहे थे अर्जुन भैया? किस टाइम, किस वक्त, किसकी ले रहे होते हैं ये सब आप खबर तो मैं आपको पहुंचाता हूं ना, लेकिन वो यहाँ है नहीं। या तो वो मर गए हैं या आप लोगों ने मार दिया है। बकवास बंद करो। ये लो, get out। मैडम जी, हम तो खबर लेकर आए थे, ये पैसे नहीं चाहिए हमें। पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? नया आईफोन? नया आईफोन नहीं मैडम, आई दर्शन। वो कहा है ना मैडम जी, जिस हिसाब से आप कपड़ों में फिट लगती है ना, बिना कपड़ों के तो मैडम जी आप लॉकडाउन लगा देंगी। How dare you, you bastard! Get out! मैडम जी, आज रसिका मैडम और चित्रा मैडम का रासलीला करते हुए मैंने देखा है। असली फिल्म तो अब शुरू हुआ है। बिना कपड़ों के वो रासलीला कर रहे थे। मैंने मैडम जी MMS बना के आपको फॉरवर्ड कर दिया है। चित्रा मैडम किसी की नहीं है।
रुको। हाँ जी मैडम जी। आखिरी काम था, करोगे ना? माँ कसम मैडम जी, मैं सब काम कर दूंगा। मेरी नजरों में आपके लिए सेक्स और इज्जत बहुत बढ़ गया है मैडम जी। But why don't you understand तापसी? ये सब एक कॉन्स्पिरेसी हमें फंसाने के लिए। I'm telling you. प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। मेरी बात सुनो, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता यहां से निकलते हैं। लेट्स गो, चलो। पर सनी, अगर हम गिल्टी नहीं है तो हम क्यों भाग रहे हैं? मैंने नहीं मारा है अर्जुन को। तापसी शर्मा, अर्जुन को असॉल्ट करने के चार्ज में वी हैव टू अरेस्ट यू। एनी क्वेश्चंस? देशपांडे? यस मैम। चेक। चला। पूजा, अरेस्ट हर। मैम, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं मारा है अर्जुन को। झूठ है ये सब। But ma'am, this is an incomplete video. और ये सब चित्रा का प्लान है। Oh, any proof? You? Ma'am, लगता है इन लोगों ने evidence छुपा दिया है। हमें कुछ भी नहीं मिला है। Ma'am, कोई proof तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ का murder अर्जुन ने किया, ये मैं proof करके रहूँगी। कांति का वीडियो वायरल हो गया है। मेरा नाम कांति प्रसाद चौबे है।
हम पूरे होश और हवास में कबूलते हैं कि अर्जुन ईरानी को हम ही ने मारा। अर्जुन भैया हमें जबरदस्ती नाबालिग लड़की सप्लाई करने पर मजबूर किए, इसीलिए हमने उनको सल्टा दिया। आप सभी को अर्जुन भैया की लाश कभी नहीं मिलेगी। हम आशा करते हैं कि ये हमारा आखिरी MMS खूब बैरल होगा। मैम को छोड़ दो। देशपांडे फॉलो मी।
कांति प्रसाद चौबे ने अपने मालिक फेमस ऑथर अर्जुन ईरानी का मर्डर किया है। कल देर रात उन्होंने अपना कन्फेशन वीडियो अपलोड किया है। पुलिस को कांति की बॉडी मिल चुकी है, लेकिन अर्जुन ईरानी की बॉडी कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल उनके घर के साथ साथ भोली भाली पत्नी चित्रा का भी है कि आखिर मिस्टर ईरानी की बॉडी है कहाँ। लेडीज एंड लेडीज, बिहोल्ड अर्जुन 2.0 इज हियर टू स्ले। अर्जुन, साला ये सब शुरू कब से हुआ? सब बकवास है। अर्जुन कम ऑन, कभी तो सीरियस हो जा। बैंक्स केस कर देंगे हम पे। भैया रिलैक्स, बैंक वाले ना फ्रॉड होते हैं। जस्ट इग्नोर दम। इग्नोर नहीं कर सकते अर्जुन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखे हैं। दे आर रियली अपसेट। कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, कुछ करना पड़ेगा। सही वैल्यूएशन पे कंपनी बेच देते हैं। गाइस, लेट्स रीऑर्गेनाइज। और मैं ये बात एज अ पार्टनर कह रहा हूं अर्जुन। डोंट वरी गाइस, आई हैव अ प्लान। पर कैसा प्लान? ऐसे अर्जुन के पास मेरे ताले की चाबी है। अर्जुन, मैंने बहुत कुछ सहा है। मैं 20 साल की थी जब मैंने पापा को, मतलब मेरे स्टेप फादर को मारा था। फिर अर्जुन ने मुझे एक बिजनेस ऑफर दिया था जिसके लिए ही वांटेड माय हेल्प। छोटी सी हेल्प। चित्रा ईशा को बेवकूफ बनाएगी। शी वुड फक ईशा सो नाइसली सो दैट ईशा को लगे चित्रा और ईशा तो एक हैप्पी फैमिली है। फिर उसे कन्विंस करके अर्जुन की कंपनी उसे बेच दूंगी। मगर ये तब पॉसिबल था जब तापसी मछली की तरह हमारे ट्रैप में गिरती। उसके लिए मैंने उसकी वेडिंग रिंग छुपा दी। Thank you.
जैसा मैंने प्लान किया था, तापसी मेरे प्लान में फंस गई। मैं चाहता था कि वो मुझ पर अटैक करे और हम उसकी वीडियो रिकॉर्ड करें। लेकिन कांति ने तापसी को बचाने के लिए तुम्हारा मर्डर अपने सर क्यों लिया और साला खुद को भी ठोक दिया? कांति, ईशा का कुत्ता, यहां की खबर ईशा को देता था। और फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फक। इनफैक्ट उसके कन्फेशन से तो मेरा काम और इजी हो गया। एज लॉन्ग एज दुनिया को लगता है दैट आई एम डेड, एवरीथिंग्स गुड। क्योंकि मेरी डेथ इंश्योरेंस पॉलिसी 300 करोड़ की है। एक बारी चित्रा को पैसे मिल गए, उसके बाद हम सब लंदन फ्लाई करेंगे। बॉडी का जुगाड़ मैंने कर दिया है, डीएनए, इंश्योरेंस मैं सेट कर दूंगी। टू अर्जुन, ईशा मेरे पैसे कब तक ट्रांसफर करेगी? 2 हफ्ते लगेंगे। I can't push Isha. After all, वो नहीं बॉस है। Then go ahead. Use your tongue and please her. मगर मुझे मेरे पैसे 3 दिनों में चाहिए, okay? अर्जुन, please don't go. अगर किसी ने देख लिया तो? Relax. मैं सिर्फ फार्म हाउस तक जा रहा हूँ। मुझे क्यों फंसा रही थी तुम चित्रा? अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दूंगी। मैं 20 साल की थी जब मैंने पापा को, मतलब मेरे स्टेप फादर को मारा था। ये वीडियो तुम्हें कहां से मिला? अर्जुन के ऑफिस से। आपसे No, stop. Arjun zinda hai. And I can tell you where he is. That bastard. मुझे लग ही रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे मर गया। तुम दोनों ने मुझे क्यों फंसाया? क्योंकि तुम इजी टारगेट थे। मैंने वही किया जो अर्जुन ने करवाया। अर्जुन ने खुद मर्डर प्लान बनाया तुम्हें फंसाने के लिए। प्लीज, मुझे मेरा वीडियो चाहिए। मैं इन सब से निकलना चाहती हूँ। आखिरी बार पूछ रही हूँ, अर्जुन कहाँ है? सनी, वीडियो अपलोड कर दो। यस, स्टॉप। ओके, फक इट। अर्जुन अपने फार्म हाउस में है, किसी लड़की से मिलने। बूटी कॉल। थैंक यू बोथ ऑफ यू। चित्रा, अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि इस वीडियो की एक कॉपी हमारे पास है। अंधेरे में तीर चलाना कोई तुमसे सीखे। सनी, तुम युडी को पकड़कर फार्म हाउस लाओ। आई विल मीट यू देयर। Thank you.
क्या मिला है मेरी ड्रिंक में। मैडम जी, आज रसिका मैडम और चित्रा मैडम का रासलीला करते हुए मैंने देखा है। As promised, मैंने तुम्हें ईमेल कर दिया। चित्रा ने अपनी और अर्जुन की लंदन टिकट्स बुक की है। चित्रा तुम्हें चीट करके भाग रही है। ईशा, मेरा कन्फेशन, जिससे अर्जुन मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, हेयर आज सच बोल ही दी चित्रा। ऑल दिस वाज फेक ना। Listen, babe, trust me. I love you. Only you. But please, pehle papers ka kaam khatam kar le. Sure. Sign kar do. Theek hai. Main kar dungi. Main hum dono ke liye London ki tickets book kar deti hu. Chalogi na? Are you mad?
क्या हुआ? डर गई? You should be scared. क्योंकि तुम्हारा जीना या मरना अब मेरे हाथ में है. तुम लंदन नहीं, हेल जाओगी मेरे साथ. कैसी हो? अपसेट हो क्या? अरे कांति ने मेरे खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया है. तुम बच गई हो तो अब किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो मुझसे? दुश्मनी नहीं, मर्डर का बदला है. अदिति बेकाबू, याद आया कुछ? क्यों मारा था मेरी माँ को? उनकी बुक के लिए? अदिति, तुम अदिति की बेटी हो. तुम्हारी मॉम मेरी बहुत बड़ी फैन थी. साइको. डेस्परेट थी कि मैं उनके साथ अफेयर करूं और फिर एक दिन सुनने में आया कि उन्होंने सुसाइड कर ली. सुसाइड नहीं, मर्डर था. यूज्ड मां और उनकी बुक अपने नाम से प्रिंट करा ली. अगर मुझे प्रूफ नहीं मिलता तो मैं कभी नहीं समझ पाती कि मेरी माँ को मर्डर हुआ है. तो ये आग तेरी लगाई हुई है. सारे तेरा एक्सीडेंट नहीं, तुझे तो मरवा ही देना चाहिए था. Shut up you bastard. साले, तुझे तो हमेशा से ही कॉम्प्लेक्स था कि यूडी पापा का फेवरेट है, इसीलिए तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया. मेरा पावर, मेरी लेगेसी, मेरा प्यार. चित्रा, आई वॉन्टेड टू किल यू अर्जुन. तापसी, इस हरामजादे को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं इसे. तापसी, डोंट बी अ फूल. यूडी तुम्हें यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए. क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, व्हाट डू यू वांट? तुम्हारा कन्फेशन. अर्जुन, तुम्हें आज कन्फेस करना पड़ेगा. बेकाबू मेरी माँ की बुक थी, तुमने नहीं लिखी थी, तुमने वो चोरी की है. तुमने मेरी माँ को मार दिया. अर्जुन, योर टाइम इज अप.
इस बार तो सच बोल दो। मर साली, जैसे तेरी मां मरी थी। आज तुम नहीं बचोगी। सनी रुक जाओ और आई विल शूट। और इसीलिए मैंने अर्जुन को मार दिया। कांति को क्यों मारा? हम आशा करते हैं कि हमारा आखिरी एमएमएस खूब बैरल होगा। कांति के बॉडी के पास दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले जिसने हमें कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन वहीं पे तुम्हारे फोन लोकेशन से हम कंफर्म हो गए कि उस वक्त तुम वहीं पे थे। Am I right? मेरे पास तापसी को बचाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। आई लव यू तापसी। सॉरी, आपके लिए एक और बुरी खबर है। चित्रा इज नो मोर। व्हाट? चित्रा अब? और उसने मरने से पहले अपने कंपनी ईरानी पब्लिकेशंस तापसी के नाम कर दी है। ये आप क्या कह रही हैं? यू ब्लडी बिच, अर्जुन से बदला लेने के लिए मैंने तेरी हेल्प की और तूने मुझे ही डबल क्रॉस किया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। खेल खेलना आपसे ही सीखा है मैंने। ऑफिसर, मैं क्या मैं एक बार अपनी चित्रा को देख सकता हूं प्लीज? जी देशपांडे, बॉडी की शनाख्त के लिए इनको गाड़ी में डालो। चारा सनी फालतू में अटक गया। किसी ने सच ही कहा है, लव बड़ी चूतिया चीज है। इमोशनल होते ही साला गांड मार लेते। कैसा है तू सनी? तापसी को मिस कर रहा है? तापसी ने सच ही कहा था, प्यार बहुत चूतिया चीज है।
इमोशनल होते ही गांड मार देती है। सही कहा था, तू ही नहीं समझा। होता है जिसके माथे पे इमोशन लिखा होता है ना, वो अपना चूतिया खुद कटवाता है। मेरा भी यही हाल है, हम दोनों का इमोशन एकदम सेम है, हम दोनों का तापसी ने काटा है। सोच क्या रहा है, हाथ मिला ले, दोनों मिलकर सबकी मारेंगे, मिला ले हाथ। Say